ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में दलेर मेहंदी को हुई 2 साल की सजा। फेमस सिंगर दलेर मेहंदी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। इसी के चलते उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल मामला 2003 का है। इसी में अब दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इससे पहले दलेर मेहंदी का नाम कबूतरबाजी में भी आ चुका है। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बताकर गैर कानूनी तरीके से विदेश भेज दिया था। आरोप है कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने काफी रकम भी वसूली थी। मेहंदी और उनके भाई ने 1998 और 1999 के दौरान 2 बार अमेरिका में शो किए और उस दौरान वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने ग्रुप के 10 सदस्यों को वहां पर गैर कानूनी तरीके से छोड़ दिया था। एक एक्ट्रेस के साथ अमेरिका यात्रा पर गए दलेर मेहंदी ने कथित तौर पर 3 लड़कियों को सैन फ्रांसिस्को छोड़ दिया था। यही नहीं, आरोप के मुताबिक अक्टूबर 1999 में वो दोनों भाई एक बार फिर कुछ एक्टर के साथ अमेरिका गए थे और इस दौरान 3 लड़कों को न्यू जर्सी भी छोड़ आए थे।